दिनेश नाम का एक राजस्थानी लड़का, उनकी पूरी फैमिली के साथ एक इंसिडेंट हुआ जब वो लोग कुलधरा के पास एक गांव से होते हुए जा रहे थे। दिनेश ने बताया, हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम उस गांव से होते हुए निकल रहे थे। ये जगह मेन कुलधरा विलेज से ज़्यादा दूर नहीं है, हम पहले भी यहाँ से कई बार गुजरे थे, लोग अक्सर इस रास्ते को लेते हैं। पर उस दिन इस रास्ते पर एक अलग ही खामोशी थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिखाई दी। उस वक्त यही कोई रात के 11 बजने को थे और ये सर्दियों की बात है। चलते चलते बीच रास्ते कोई चीज हमारी गाड़ी से टकराई, आवाज काफी जोर की आई थी। हमें गाड़ी के आगे कोई नहीं दिखाई दिया, आसपास भी कोई नहीं, तो पापा ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि रात को ऐसी सुनसान सड़क पर और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तब उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जितनी वो स्पीड बढ़ा रहे थे गाड़ी उतनी स्लो होती जा रही थी। वो लगे हुए थे कुछ ना कुछ करने में कि एकदम से ये क्या हो गया, अभी तक तो हम सही आ रहे थे और गाड़ी से ऐसा क्या टकराया ये किसी को भी नहीं पता चला। 3-4 मिनट गाड़ी और चली, फिर अचानक से गाड़ी में हैंड ब्रेक खींच गए, और ये पापा ने नहीं किया था। उनके दोनों हाथ तो स्टीयरिंग को संभाल रहे थे, हैंड ब्रेक खींचते ही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पापा को जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पूरा पंजा दबा के ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगते ही हैंड ब्रेक भी पूरा ऊपर खींच गया और हमारी गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी, उसके अलावा कुछ ना दिखाई दे। हमारी तो हालत खराब थी, पर लगा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। तब पापा और मैं गाड़ी से बाहर निकले। हमने पहले तो देखा कि गाड़ी से टकराया क्या था, चारों तरफ देखने पर भी गाड़ी में कोई डेंट नहीं दिखाई दिया। फिर हम सामने बोनट की तरफ आए, बोनट खोल के देखा कि यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। हम अभी देख ही रहे थे कि हमारे राइट साइड से सड़क के एक तरफ झाड़ियों से कुछ 4 आदमी और 2 औरतें बाहर निकल के आईं। हमारा ध्यान अभी तक उनके ऊपर नहीं था। जब गाड़ी के पास आए, लाइट उन पर पड़ी तो पता चला। ऐसी सुनसान सड़क पे अचानक से कोई दिख जाए तो एक बार को दिल बैठ जाता है। वो वहीं के लोकल लग रहे थे, उनका पहनावा राजस्थानी था, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं। वो आए हमारे पास और चुपचाप खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने गाड़ी के बोनट की तरफ हाथ किया तो पापा डर गए कि कौन है। उस आदमी ने कहा, कोई मदद चाहिए? पापा ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, जी नहीं, वो गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई है, हम ठीक कर लेंगे। उनके कहते ही वो आदमी पीछे हट गया और सड़क के एक साइड खड़े होके वो लोग हमें देखने लगे। चारों आदमी लाइन से खड़े थे, वो कभी गाड़ी के अंदर देखते, कभी हमें। अंदर मेरी मम्मी और बहन बैठी हुई थी। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे। यहाँ जब हमें समझ नहीं आया कि गाड़ी में हुआ क्या है, तो बोनट बंद करके हम अंदर बैठ गए। सारे गेट अच्छे से लॉक करके हम आपस में धीमी आवाज में बात करते हैं कि ये लोग कौन है और कहां से आए हैं, यहां क्यों खड़े हैं। बात करते करते पापा ने सेल्फ मारा, एक बार, दो बार, तीन बार। बार बार सेल्फ मारने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं। हमें ये डर था कि इनके साथ और लोग ना हो यहां पे। रात में लूटपाट के सीन भी बहुत देखने को सुनने को मिल जाते हैं। हमारे पसीने छूट गए। मैंने तिरछी नज़र से देखा जहां वो खड़े थे। अभी तक तो वो दूर थे, लेकिन अब धीरे धीरे गाड़ी के पास आने लगते हैं। एक आदमी ने पापा की तरफ हाथ का इशारा किया और अपना हाथ एकदम से नीचे कर दिया। उसके इशारे करते ही गाड़ी का हैंड ब्रेक नीचे आया। इस बार जब फिर से सेल्फ मारा तो गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, हमने गाड़ी वहां से निकाली।
थोड़ा आगे आते ही जब पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। गाड़ी भी अब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। इसके बाद हम जितनी देर भी गाड़ी में रहे, हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हुआ क्या था। अभी उस सड़क पे ना तो हमारे अलावा कोई गाड़ी दिखाई दी, ना हमें ये पता चला कि वो चीज़ क्या थी जो गाड़ी से टकराई। हैंड ब्रेक का सीन भी कुछ समझ नहीं आया। और आखिर में वो छह जने कौन थे जिन्होंने हमसे मदद के अलावा और कुछ नहीं पूछा? उनके इशारे पर हैंड ब्रेक नीचे कैसे हो गया? और जब हम वहां से चले तो पीछे भी कोई नहीं दिखाई दिया। हमें आज तक समझ नहीं आता कि वो सब क्या था। आज की स्टोरी मेरी पिछली स्टोरी से काफी अलग है। 5 नवंबर 1991 को एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था गुना, GUNNA। साउथ की इस मूवी को लोगों ने इतना पसंद किया कि ये एक कल्ट मूवी बन गई। इस मूवी की शूटिंग जहां हुई थी, गुना केव्स, मूवी के बाद वो जगह टूरिस्ट स्पॉट बन गई। 2012 में यहां 6 लड़कों का ग्रुप पिकनिक मनाने गया था। वैसे तो इस जगह के अंदर जाने पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पाबंदी लगाई हुई थी, पर जैसे तैसे जुगाड़ लगा के वो लोग गुफा के अंदर चले गए और घूम घाम के वापस भी आ गए। इनमें 23 साल का एक लड़का कार्तिक भी था। बाहर आते ही उसने अपने दोस्तों से कहा, वो अपना फोन गुफा के अंदर ही भूल गया है, मैं बस अभी उसे लेके आता हूँ। बाकी सारे दोस्त कार्तिक का बाहर इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, पर जब वो नहीं आया तो वो लोग अंदर जाके ढूंढने लगे। इन लोगों ने काफी देर तक उसे ढूंढा, पर जब वो नहीं मिला तो उन्होंने वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से कांटेक्ट किया। कुछ ऑफिसर्स आए और ये सारे लोग मिलके कार्तिक को ढूंढने लगे। रात तक खोजबीन चलती रही, फिर अंधेरा होने के बाद काम रोक दिया। अगले दिन सुबह फिर से खोजबीन शुरू हुई और जब दोपहर तक भी कुछ नहीं मिला तो उसे मृत घोषित करके उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया और ये बन गई उस गुफा की 16वीं मौत। गुना केव्स, ये एक ऐसा नाम है जो अभी तक कई मौतों की मिस्ट्री बना हुआ है। 3 सितंबर 2006, सुभाष नाम का एक लड़का जो कंस्ट्रक्शन वर्कर था, वो अपने दोस्त सुजीत, अभिलाष, सीजू जॉन, अनिल जोसेफ, कृष्ण कुमार, सुमेश, सिक्सोन जॉन, सीजू डेविड और प्रसाद पीएस तमिलनाडु में मौजूद इस गुना केव्स में घूमने गए। इस जगह को यहाँ के लोकल लोग कोडई कनाल बोलते हैं। ये जगह एडवेंचर लवर्स को हमेशा से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रही है, लेकिन इस जगह का एक हॉरर साइड भी है जिसके चलते लोग इसे डेविल्स किचन भी कहते हैं, यानी कि शैतान की रसोई। ये जगह जितनी एडवेंचरस दिखाई देती है उतनी ही खतरनाक भी है। पहाड़ों पर बनी इन गुफाओं के नीचे क्या क्या दफन है और यहाँ का इतिहास क्या है, ये कोई नहीं जानता। ऊपर से ये गुफा दर्जनों लोगों की जान जाने का कारण भी बन चुकी है। लोग इसे मौत की गुफा भी कहते हैं। इमेजिन एक गुफा के इतने सारे नाम। तो सुभाष को ये जगह बड़ी एडवेंचरस लगी और उसने प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ यहाँ जाने का। इस जगह पर काफ़ी सारा एरिया बड़ा खतरनाक माना जाता है। यहाँ का वेदर भी ऐसा है कि पता नहीं होता कब बिगड़ जाए। इस वजह से कुछ जगहों पर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, पर जवान लड़कों का ग्रुप है तो कौन कहाँ किसकी सुनता है। वो चले गए इस गुफा के अंदर, वहाँ घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पर इसी बीच सुभाष चलते चलते गड्ढे में गिर गया, जो उसे दिखा नहीं। उसके गिरते ही किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। सुभाष के गिरते ही उसके दोस्त ऊपर से आवाज देने लगे, पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो सारे घबरा गए। उन्हें लगा कहीं उनके दोस्त की जान तो नहीं चली गई,
कुछ लड़के तो वहीं रुक गए, वो नज़र रखे हुए थे। वहीं कुछ लड़के पास के पुलिस स्टेशन गए मदद मांगने के लिए। पुलिस को पता था वो जगह बंद है और आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इस इलाके में पहले भी काफ़ी सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस ने पहले तो इस केस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए वो उनके साथ चले गए। जो लड़के वहां रुके हुए थे उन्होंने कहा, हमें सुभाष की आवाज़ आई थी अंदर से, तब इस बात की तसल्ली थी कि एटलीस्ट वो जिंदा तो है। पुलिस वाले वहां पहुंच तो गए थे पर उनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे जिनसे मदद की जा सके, और यहां का रिकॉर्ड देखते हुए उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। पर फिर भी लड़कों की तसल्ली के लिए उन्होंने यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर सर्विस वालों को इन्फॉर्म करके बुला लिया। उनसे यहां पर रेस्क्यू मिशन चलाने की अपील की गई। अब एक के बाद एक कई सारी पुलिस की गाड़ियां और फायर सर्विस वाले वहां पहुंचे तो आसपास के लोग भी जमा हो गए और ये बात आग की तरह फैल गई। शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी, वहां हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। ऊपर से यहां की कहानियां ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी सुभाष को बचाने उस गड्ढे में उतरना नहीं चाहता था, और ये गुफा कितनी गहरी है इसका किसी को भी आइडिया नहीं। उनके मन में डाउट था कि वो रस्सी से सुभाष तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, पता नहीं। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब गुफा में कोई उतरने को तैयार नहीं हुआ तो उन्हीं में से एक लड़का सीजू डेविड, वो तैयार हुआ इस काम के लिए। पर वहां के सारे ऑफिसर्स ने उसे इस काम का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से इस काम को करने से मना कर दिया। पर काफी देर तक अपनी बात रखने के बाद और जब नीचे कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा था तब वो ऑफिसर्स डेविड को भेजने के लिए मान गए। डेविड एक 50 फीट की रस्सी के सहारे से नीचे गुफा में उतर गया और अभी तक उसे सुभाष का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद उसने और रस्सी जोड़ने के लिए कहा ताकि वो और नीचे जा सके, पर ऑफिसर्स ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि अभी और कितनी नीचे है इसका कोई आइडिया नहीं था। पर डेविड ने नीचे से कहा वो अपने दोस्त के बिना यहां से नहीं जाएगा, ऊपर आने से उसने मना कर दिया। फिर मदद के लिए और रस्सी जोड़ी गई, डेविड और नीचे जाने लगा जहां करीब 80 फीट की गहराई में उसे सुभाष किसी पत्थर पर पड़ा दिखा। वो खून से लथपथ था, उसकी सांसें अभी भी चल रही थी पर वो जरा सा भी हिल नहीं सकता था। यहां से निकलने के लिए डेविड ने सुभाष को रस्सी से बांध दिया और ऊपर खड़े लोगों ने रस्सी को खींचना शुरू किया। डेविड की सांसें अटकी पड़ी थी क्योंकि गुफा की चौड़ाई बहुत कम थी। वो धीरे धीरे ऊपर तक आए और जैसे ही बाहर निकले वो सुभाष को लेकर सीधा हॉस्पिटल भागे, उसे जिंदा निकाल लिया था। यहां पर गलती इन लड़कों की भी थी जो एक ऐसी जगह पर गए जहां पे प्रतिबंध लगाया हुआ था जिसके लिए गवर्नमेंट ने उन पे जुर्माना भी लगाया। इसके बाद यहां की लोकल गवर्नमेंट ने इस इलाके के चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगा दी ताकि कोई अंदर ना जा सके। लेकिन इसके बाद भी यहां कुछ घटनाएं और होती हैं, जैसे 2012 में कार्तिक के बारे में देखा। ये जगह मौत के कुएं की तरह है जिसमें जो कोई गया है वो वापस नहीं लौटा। सुभाष को तो उसके दोस्तों ने बचा लिया पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस गुफा में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। साल 2016 में जब कुछ रिसर्चर इस इलाके को देखने आए थे तब उन्होंने एक गुप्त तहखाना खोज निकाला था जिसमें प्राचीन काल की बहुत सी तस्वीरें मौजूद थी जो इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है कि इसका इतिहास क्या रहा होगा। साल 2017 में भी कुछ लड़कों का ग्रुप इस जगह पर गया था और उनके बारे में किसी को भी पता नहीं चला वो अंदर कहां चले गए, क्योंकि उन लड़कों का ग्रुप कभी लौटकर वापस नहीं आया। 1950 में मदुरई का एक व्यापारी भी इन गुफाओं में फिसल कर चल बसा था जहां उसकी डेड बॉडी अगले दिन करीब 500 फीट नीचे गहराई में मिली थी।
इसी तरह एक बार 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप भी यहां घूमने आया था, पर यहां आने के बाद वो अंदर से कभी बाहर नहीं आ पाए और उनके साथ क्या हुआ यह आज भी कोई नहीं जानता। लगातार होते हादसों के कारण गवर्नमेंट ने इस जगह पर ना जाने की सलाह दी है और अब तो खैर शायद ही कोई वहां ऐसा कोई खतरनाक हिस्सा आम लोगों के लिए खुला हो। आज के टाइम पर सेफ्टी के लिए जगह जगह लोहे की ग्रिल लगा दी गई है ताकि ऐसा कोई हादसा दोबारा से ना हो। डेविल्स किचन का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। कोई इसे महाभारत के टाइम से जोड़ता है तो कोई उससे भी पहले। आज के टाइम इसके अंदर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है क्योंकि अब ये भी माना जाता है जो लोग यहां मारे गए थे या जिनकी मौत हो गई उनकी आत्मा आज भी वहां पर फंसी पड़ी है और वो बाहर निकलने के लिए मदद की गुहार लगा रही है, और अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ लोग इन बातों को मानते हैं, वो अंदर नहीं जाते, और वहीं कुछ लोग हैं जो इन बातों को बेकार की बात कह के अंदर चले जाते हैं, फिर कभी लौट के नहीं आते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारे बाकी पॉडकास्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें भी जरूर सुने। मेरा नाम प्रवीण है, दुआओं में याद रखना।